हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कई दिनों से मुझे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी आ रही थी, सर कोई तो एक ऐसा स्टॉक बताइए जो कि स्मॉल कैप मिड कैप में आता है एंड वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रिस्क है बट उतने ही रिटर्न के भी बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो एक ऐसे स्टॉक मैं आपके सामने रखने वाला हूँ दोस्तों, जैसे आप लोगों ने डिमांड की थी, बहुत सारे लोगों ने उस कमेंट को भी लाइक किया था कि ऐसे ही एक स्मॉल कैप में आपके सामने रखने वाला हूँ जहाँ पे रिस्क कुछ ज़्यादा ही है बट अगर रिटर्न भी मिल गए, मतलब वो स्टॉक अगर चल जाता है तो वो बहुत ही तेज़ रफ्तार से उड़ने वाला स्टॉक है। तो ऐसे स्टॉक से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जो लोग नॉर्मली स्टॉक मार्केट में नए हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट में टोटल जो कैटेगरीज होते हैं स्टॉक्स की, वो चार इसमें डिवाइड की गई होती है। कितने में? 1, 2, 3, 4। यूजुअली हम लोग बेसिक बातें करेंगे। सबसे पहले जो आते हैं वो होते हैं लार्ज कैप, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, जो गिरने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर गिरते भी है तो 2-3%, 4%, 5%, 10%, उससे ज़्यादा वो गिरते नहीं है। उसके बाद आते हैं मिड कैप। मिड कैप होते हैं जो कि लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देते बट वहाँ पे रिस्क भी वैसे होती है, रिस्क भी बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है, वो होती है स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप मतलब रिटर्न चल गए तो बहुत ही ज़बरदस्त एंड अगर गिर गए तो बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब रिस्क भी उतनी ही ज़्यादा। एंड लास्ट में आते हैं, आप सभी लोगों को पता है, पेनी स्टॉक। उनकी कोई गारंटी नहीं, जिनका लक भी चलेगा, क्योंकि स्टॉक कितना भी अच्छा हो वहाँ पे लक का भी फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। कुछ कुछ पेनी स्टॉक आप सभी लोगों को पता है 10-10 साल तक चलते नहीं, उसके बाद सडनली उनमें इतनी जान आ जाती है कि वो पूरे हाईलाइट में आ जाते हैं। तो ओवरऑल आज हम लोग थर्ड इसकी बात करने वाले, मतलब हम लोग स्मॉल कैप की बात करने वाले। तो चलिए दोस्तों, जैसे आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था वैसे स्टॉक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। डिस्क्लेमर के तौर के ऊपर वापस कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि ये स्टॉक में एंटर करो, वो कम्प्लीटली आपका डिसीजन रहेगा कि आप लोगों ने ऐसे स्टॉक में रहना चाहिए या नहीं, बट कुछ एडवाइस मैं ज़रूर दूंगा, वो चाहे तो आप ले सकते हो या फिर उसको अवॉइड भी कर सकते हो। तो चलिए स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं एंड उस स्टॉक का नाम है दोस्तों, आपके सामने आ चुका है वक्रांगी। फिलहाल आप देख सकते हो दोस्तों, 40 रुपये का ये स्टॉक है, 41 रुपीज़ का। एंड यही स्टॉक दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क भी है, हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, फिलहाल इसमें कोई अभी गड़बड़ नहीं है बट पिछले इसमें ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई थी, वही मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मतलब मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, 1 महीने का ये तो हो गया शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न। बीच में 1 महीने पहले आप देख सकते हो स्टॉक बहुत ही नीचे था। 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, जहाँ पे ये स्टॉक ने लगभग, अगर डाउन की बात करें, 24 रुपीज़ तक ये स्टॉक ने क्या की थी, गिरावट दर्ज की थी। एंड अगर 24 के बाद अभी ये स्टॉक लगभग 40 के ऊपर आ चुका है। उसी के साथ साथ 5 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपके सामने आ जाएगा एक बहुत ही डरावना चार्ट पैटर्न। हाँ दोस्तों, ये चार्ट पैटर्न इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें रिस्क क्यों ज़्यादा है। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी स्टॉक अगर इतने हाई लेवल से अगर करेक्ट होकर नीचे आ जाता है, सो डेफिनेटली उस स्टॉक में हम लोगों ने नहीं होना चाहिए एंड गिरावट के पीछे की वजह भी हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं अगर कर्सर लग दूँ तो आप देख सकते हैं 500 के ऊपर चलने वाला स्टॉक जैन 2018 में, आप देख सकते हो आज उसकी वैल्यू कितनी है, 41। तो ये गिरावट क्यों थी, तो बहुत ही आसान है आप लोगों को समझने के लिए कि इतनी स्टिफ गिरावट तभी होती है जब कंपनी में इंटरनल कोई इशू होता है एंड वैसे ही हुआ था। इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए थे, मतलब आरोप लगाए गए थे एंड इस कंपनी के जो ऑडिटर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो उसी के बाद आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली लोगों ने इस शेयर से निकलना शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ पर डर पैदा हो गया है। एंड आज आप ये देख सकते, एक स्मॉल कैप शेयर बन चुका है जो कि वापस इसमें जान आना शुरू हो चुकी है। तो यही चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि इसमें अभी आप लोगों ने क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए थे, 10 प्रकार के एलिगेशंस थे, कितने, 10 आरोप थे। एंड आप लोगों को पता है उन 10 आरोप में से एक भी आरोप सही साबित नहीं हुआ, सारे के सारे आरोप यहाँ पे झूठे साबित हो गए एंड इस कंपनी को बाइज्जत बरी कर दिया। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं स्टॉक की हालत क्या हो गई है, मतलब बिना कुछ किए बगैर इन स्टॉक की हालत हो गई है। जो 500 पे चल रहा था वो अभी आ चुका है 40 के इसमें, मतलब 24 तक आ चुका था। उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई MCA की, जो लास्ट रिपोर्ट थी कि वक्रांगी को क्लीन चिट देना है या नहीं। एंड वहाँ पे MCA ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या किया, वक्रांगी को क्लीन चिट दे दिया एंड 24 का स्टॉक अभी 40 पे आ चुका है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि ये स्टॉक रिस्की ज़रूर है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई एलिगेशंस नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बट सभी लोगों को यही डर लगता है कि वापस इस पर अगर कोई एलिगेशंस आ गया तो इन्वेस्टिगेशन, री इन्वेस्टिगेशन का केस वापस ओपन हो गया है, तो कोई चीज़ गड़बड़ वापस पा गई, तो इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे कतरा रहे। बट अभी धीमे धीमे हम लोग देख सकते हैं इस शेयर में वापस थोड़ा सा जान आना शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो न्यूज़ के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे आप देख सकते हो वक्रांगी का जो MCA रिपोर्ट, अगर आप गूगल पे भी सर्च आउट करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले
द अपडेट ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मतलब वखरांगी से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे पढ़ भी पाओगे, द MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फाइंड नो इरेगुलरिटीज। नो इरेगुलरिटीज मतलब कोई भी यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, जिस प्रकार से इनके ऊपर 10 अलग अलग टाइप के आरोप लगाए गए थे, एक भी आरोप साबित नहीं हो पाया। उसी के साथ साथ आप आगे भी पढ़ सकते हो, जहाँ पे यहाँ पे बताया हुआ है द प्रोब रिवील नो इरेगुलरिटीज ओवर द ऑडिटर्स रेजिग्नेशन। सो ऑडिटर ने क्या किया था, यहाँ पे रिजाइन किया था। एंड आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ऑडिटर ने अगर रिजाइन किया, ये बहुत ही बड़ी बात होती है उस कंपनी के लिए, मतलब नेगेटिव बात होती है। एंड इसीलिए आप देख सकते हो ऑडिटर ने रिजाइन किया तो ये शेयर जबरदस्त टूट गया, जो कि मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, 500 का शेयर 40 आ गया। तो ये क्यों हुआ था, क्योंकि ऑडिटर ने रिजाइन किया, बट अभी रिपोर्ट ऐसे सामने आ गई, आप देख सकते हो अभी अभी की 2019 की रिपोर्ट है, कि यहाँ पे क्या बताया, नो इरेगुलरिटीज, ऐसी कोई भी गड़बड़ी जैसे बताया गया था वह हम लोगों को नहीं दिखाया गया। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं झूठे आरोप थे। सो उसके बावजूद ये शेयर में क्या हो गई, इतनी ज़बरदस्त गिरावट आ गई। तो फिलहाल आप लोगों ने चार्ट पैटर्न थे यहाँ पे देख लिया, तो चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं NSE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, 24 दिसंबर, बहुत टाइम के बाद इस कंपनी में 75% से ज़्यादा लोगों ने ये शेयर को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख दिया है। बहुत टाइम के बाद इतनी हायर लेवल ऑफ डिलीवरीज परसेंटेज इस स्टॉक में नहीं दिखाई जाती थी, बट अभी धीमे धीमे होना शुरू हो चुका है। 24 से 25, बाद में 30, 35, 40, अभी 40 को भी इसने क्रॉस कर दिया, जो इसका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 75% से ज़्यादा लोगों ने इस शेयर को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख दिया है। तो चलिए, ये तो कोई बात नहीं होती कि डायरेक्टली हम लोग डिसीजन ले लिए कि परसेंटेज वाइज, तो कंपनी इन्फॉर्मेशन देख लेते। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों क्वार्टर वन के रिजल्ट, यहाँ पे 642 रुपीज़ इन लैक्स का प्रॉफिट था, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर टू में आप देख सकते हो कंपनी का बढ़ के 1000 के भी ऊपर हो चुका है। सो क्वार्टर के रिजल्ट भी इनके अच्छे आए थे एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर क्वार्टर, तो ये चीज़ें भी ठीक थी। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो कंपनी का हिस्ट्री यहाँ पे, कॉर्पोरेट अफेयर्स, 2017 में 2 रुपये का डिविडेंड था, 2017 में कंपनी ने बोनस भी दिया था, बट उसके बाद 2018 में ये एलिगेशंस, उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि कंपनी में गड़बड़ी है करके, एंड इसी के वजह से कंपनी बहुत ही शेयर उनका टूट गया। एंड इसीलिए जो कंपनी पहले 2 रुपये का डिविडेंड देती थी, बाद में उसने 25 पैसे का डिविडेंड देना शुरू किया, क्योंकि कंपनी को बिजनेस को अफेक्ट हो गया। बट कंपनी ने अपना जो डिविडेंड का पॉलिसी है उसको कंटिन्यू रखा है। आप देख सकते हैं इतने लॉस के बावजूद 2019 में 25 पैसे का डिविडेंड, मुझे पता है कोई डिविडेंड नहीं होता है, बट स्टिल कंपनी ने क्या किया, वो मैनेज रखा हुआ है। तो चलिए, ये भी चीज़ें यहाँ पे देख ली। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी थोड़ा देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास 40% से ज़्यादा के शेयर्स हैं। उसी के साथ साथ क्या प्रमोटर्स के शेयर गिरवी है, तो वो भी चेक करते, तो प्रमोटर शेयर गिरवी भी नहीं है। तो आप देख सकते इतनी बड़ी गिरावट में उस कंपनी में जो झेला है, उसके बाद अगर हम लोग बाकी पैरामीटर्स देखते ना दोस्तों, तो इतने कोई बुरे नज़र नहीं आते। तो चलिए और थोड़ा सा एडवांस जाते हैं, अंदर जाते हैं, जो कि हम लोगों को समझाने के लिए हेल्प होगा। एंड उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा वखरांगी के बैलेंस शीट के ऊपर। तो मनी कंट्रोल वेबसाइट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिजर्व्स, 40 रुपये के शेयर अगर हम लोग देखते, उसका रिजर्व लगभग 2400 करोड़ का रिजर्व है इस कंपनी के पास। अगर सबसे शॉकिंग चीज़ दोस्तों, आप देख सकते हो इतनी बड़ी कंपनी थी, पहली बढ़िया कंपनी थी, झूठे आरोप के बाद इस कंपनी का शेयर टूटा था, वरना आप देख सकते हैं इस कंपनी का डेब्ट देखिए, डेब्ट फ्री कंपनी, जीरो इस कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। तो चलिए और भी आगे बढ़ लेते, कैश एंड बैंक बैलेंस भी चेकआउट कर लेते। तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास लगभग 1100 करोड़ का क्या है, कैश एंड बैंक बैलेंस है। सो ओवरऑल कंपनी का जो प्राइसिंग है, उसके हिसाब से अगर हम लोग बैलेंस शीट देखें, तो ये बैलेंस शीट हम लोग कह सकते हैं कि ज़रूर स्ट्रांग बैलेंस शीट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इसको स्टार मार्क देता है, वो है कर्जा, डेट फ्री कंपनी है, ये भी हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और आगे देखते हैं मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर ही इस कंपनी के बोनस हिस्ट्री। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 2012 में कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया था, 2017 में भी कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया था, एंड 2018 में कंपनी के ऊपर गलत आरोप लग गए एंड कंपनी का शेयर तबाह हो गया। तो चलिए दोस्तों, अभी और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग चेकआउट कर लेते हैं, जो सबसे पहले हम लोगों ने रिपोर्ट्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें पढ़ ली। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी हम लोग देख लेते हैं, क्या फॉरेन निवेशक इस कंपनी में होल्ड करते हैं या नहीं, म्यूचुअल फंडिंग की कितनी होल्डिंग है, जो कि अभी हम लोगों को इस डेटा से पता चल जाएगा। सो आप देख सकते हैं ये क्वार्टर टू के में हो चुका था, सितंबर 2019 का ये है, उसके बाद वापस अपडेट हो जाएगा। सो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर प्रमोटर्स ही है। क्या कोई शेयर गिरवी है प्रमोटर का, तो आप देख सकते हैं नन, मतलब एक भी शेयर गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड इसमें कोई भी शेयर होल्ड नहीं करते, आप देख सकते हो
फॉरेन निवेशक की बात करें तो 13% से भी ज़्यादा फॉरेन निवेशक इस कंपनी में शेयर होल्ड करते हैं। अगर हम लोग ये देखें कि हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग सो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब LIC 6% से ज़्यादा शेयर होल्ड करती है एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग 21% है। सो दोस्तों ओवरऑल शेयर होल्डिंग भी हम लोग देख सकते कि ऐसे गिरावट वाले शेयर में भी क्या फॉरेन निवेशक भी अभी तक बैठे हुए हैं, LIC भी यहाँ पे होल्डिंग करके हुए बैठी हुई है। तो एक बात ज़रूर जताती है कि कंपनी आगे जाके थोड़ा सा और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। बट मैं वापस आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसमें रिस्क बहुत 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 ज़्यादा, मैं जितना बहुत बोल सकूँ उतना बोल दिया, मतलब आप समझ सकते हो। मैं आप लोगों को कोई यहाँ पे उकसा नहीं रहा हूँ कि शेयर जाके खरीद लो, क्योंकि 40 रुपये में जैसे ही दिख जाता है रिटेल निवेशक कूद जाते हैं, जिसका बेस्ट प्रमाण है आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिटेल निवेशक या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 21% तक हम लोग ऐसे यहाँ पे बोल सकते हैं। सो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा वीडियो को क्लोज करते वक्त कि इस कंपनी के ऊपर जो आरोप लगाए थे कि जो चार्ट पैटर्न 90% से ज़्यादा टूट चुका है, वो आरोप एक भी साबित नहीं हो पाया। सारे आरोप यहाँ पे झूठ ठहराए गए एंड इस कंपनी को बाइज्जत बरी कर दिया गया एंड 24 का शेयर 41 तक आ चुका है। सेकंड, मैं वापस आप लोगों को कह रहा हूँ कि यहाँ पे शेयर में वापस जंप इसलिए नहीं आ रही क्योंकि बहुत सारे लोग वापस कतरा रहे कि क्या पता कोई केस रीओपन हो जाए, वापस कोई इनके ऊपर एलिगेशन आ जाए, तो इसलिए बहुत सारे शेयर होल्डर इस कंपनी में निवेश करने के लिए डर रहे। बट वापस हम लोगों ने देखा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी, वहाँ पे 75% से ज़्यादा लोगों ने इस शेयर को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख दिया है। थर्ड, जो इस कंपनी की बैलेंस शीट, डेट फ्री कंपनी है दोस्तों, रिजर्व बहुत बढ़िया है, कैश एंड बैंक बैलेंस भी बढ़िया है अगर हम लोग इसके प्राइस के हिसाब से कंपेयर करें तो ये सारी चीज़ें अगर आप दिमाग में रखते हो एंड उसके बाद अगर आप डिसीजन लेते हो तो आप सही डायरेक्शन में जा पाओगे। बट वापस मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप लोगों ने अपनी स्टडी करनी चाहिए, अपना होमवर्क करना चाहिए एंड उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए कि ऐसे कंपनी में जहाँ पे उसका ऑल टाइम हाई से वो 90% तक नीचे करेक्ट होके आ चुकी है, क्या ऐसे कंपनी में हम लोगों ने होना चाहिए? उसके ऊपर जो आरोप थे मैं वापस बताना चाहता हूँ वो हट चुके हैं, तो क्या आप लोग ऐसे रिस्क लेने के लिए तैयार हो? ये सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद स्टडी करनी चाहिए। एंड अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या ऐसे कंपनी में रहना चाहिए तो मैं वापस बताता हूँ दो चीज़ें आपने देखनी चाहिए। फर्स्ट, इनके अभी Q3 के रिजल्ट आएंगे तो उसके ऊपर भी आप लोगों की नज़र रहनी चाहिए, क्या कंपनी अभी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही, क्योंकि कंपनी बाइज्जत बरी हो जाने के बाद अभी उनके क्वार्टरली रिजल्ट में सुधार जरूर आ रहा है। तो अभी और एक क्वार्टर अगर आप वेट करते हो एंड चेक करते हो कि अगर वापस रिजल्ट अच्छे देते तो आप चाहो तो इसमें एंटर कर सकते हो, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आप लोगों ने इसमें बहुत ही मिनिमम निवेश करना चाहिए, बहुत ही मिनिमम 10,000 डाल दूँ, 20,000 डाल दूँ, 50,000, ऐसे बेवकूफ़ी वाली बातें नहीं करनी। बहुत ही छोटा क्वांटिटी भी अगर आप इसमें निवेश कर देते हो एंड उसके बाद आप अपना नेक्स्ट टारगेट रखते हो कि अगर ये शेयर 60 तक जाता है तो मैं अपना निवेश बढ़ा दूंगा, अगर ये शेयर उसके बाद 80 तक जाता है तो वापस मैं अपना निवेश बढ़ा दूंगा, अगर वो शेयर 100 के ऊपर जाता है तो मैं निवेश बढ़ा दूंगा, तो ऐसे आप सिस्टमेटिकली शेयर का जो लोअर प्राइस है उसका एडवांटेज उठा सकते हो। सो वापस वीडियो को क्लोज करते हो यही याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, मैं आपको कोई भी ये कह नहीं रहा हूं कि आप लोगों ने बाय करो या फिर सेल करो या फिर होल्ड करो, अल्टीमेटली डिसीजन आप ही का रहेगा। बट ये स्टॉक जो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि ऐसा रिस्की स्टॉक बता दो जहाँ पे रिटर्न मिलने के भी चांसेस ज़्यादा है, तो यही स्टॉक है दोस्तों जो कि आपके सामने मैंने यहाँ पे रख दिया है। सो फिलहाल वीडियो को यहीं पे रखना चाहूँगा, आई होप आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना एंड अगर इस चैनल में नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा लेटेस्ट रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।